नमस्कार दोस्तों, अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं अपने टेरिस पे आई हूँ पौधों को पानी देने के लिए। तो मुझे ये पाउडर पफ का पौधा बहुत ही सुंदर दिखा। आज देखिए कितने सारे फूल खिले हैं इसमें और बहुत सारी कलियाँ भी आई हैं। ये रेगुलर ब्लूम करते रहता है दोस्तों। ये पौधा 8-9 महीना हुआ है मुझे इसे नर्सरी से लाए हुए और ये हमेशा ऐसे ही खिलते रहता है। इसकी जब सारी कलियाँ खिल जाएंगी तो फिर 5-6 दिन बाद फिर से नई कलियाँ शुरू हो जाती हैं बनना और उसके बाद फिर पूरा पौधा फूलों से भर जाता है। और ये देखने में बहुत सुंदर दिखता है। ये देखिए इसकी फूल कितनी सुंदर दिख रही है, ये देखिए। और इसकी कलियाँ, ये कलियाँ हैं, कलियाँ भी खूबसूरत होती हैं। और हम जब इसकी मिट्टी तैयार करते हैं दोस्तों तो हमें इसकी मिट्टी वेल ड्रेन रखनी चाहिए। वैसे तो सारे पौधों की मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए जब हम उसे गमले में लगा रहे होते हैं। तो मैंने अपनी मिट्टी में हमेशा मैंने मिट्टी की मात्रा को ज़्यादा रखा है, 50% मिट्टी और बाकी 25-25% कंपोस्ट और गार्डन सॉइल, सॉरी कंपोस्ट और वो सेंड रखती हूँ। और तीनों का मिक्स करके मैं पौधे लगाती हूँ और उसमें नीम खली फंगीसाइड पाउडर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं 1 महीने तक तो कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं करती, फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। कल ही मैंने सभी पौधों पर काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है 15-15 दिन में। कभी सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, कभी काउडंग का, कभी बनाना पील का। इस प्रकार मैं पौधों में लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। और जब हम इसकी सनलाइट की बात करते हैं तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। मैंने तो इसे पेड़ के रूप में देखा है, एक जगह बहुत बड़ा इसका पेड़ है, जैसे आम बरगद वगैरह का रहता है ना, वैसे इसका भी बहुत बड़ा पेड़ है। तो इसको तो धूप वैसे पूरे दिन की चाहिए, लेकिन अभी मैं तेज़ गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए मैं ऐसे जगह में रखी हूँ इसको दीवार के किनारे, जहाँ दोपहर 12-1 बजे तक ही धूप आती है। ये देखिए इसकी पत्तियाँ भी सुंदर दिखती हैं, देखिए दो ऐसे। और पानी मैं रोज़ देती हूँ क्योंकि इसकी मिट्टी शाम तक सूख जाती है। देखिए मैंने कल सुबह पानी डाला था इसमें और ये देखिए इसकी मिट्टी सूख चुकी है, तो मैं अभी इसमें पानी दे दूँगी। पेस्ट की बात करते हैं तो अभी तक 8-9 महीने हो गया है इस पौधे को, अभी तक इसमें पेस्ट का अटैक तो नहीं हुआ है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं वैसे नई गार्डनर हूँ दोस्तों, धीरे धीरे गार्डनिंग की बारीकियाँ सीख रही हूँ। शौक़ है मुझे बहुत गार्डनिंग करने का और मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ, गवर्नमेंट टीचर, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो आज मुझे ये पौधा बहुत ही सुंदर लगा और मौसम भी सुहाना है, बदली है, देखिए। तो मैंने सोचा आज आप लोग के साथ ये शेयर करती हूँ, पाउडर डस्ट का प्लांट। इसमें कीड़े मकोड़े ना लगे करके, जैसे मैं सारे पौधे में अपना नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ दोस्तों 15-15 दिन में, उसी प्रकार इसमें भी मैं स्प्रे कर देती हूँ। और महीने में एक बार फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे कर देती हूँ, जिससे पौधे में किसी प्रकार का पेस्ट का अटैक ना हो और पौधा हेल्दी रहे।
थैंक यू दोस्तों, बाय।